हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एग्ज़ाम स्पेशल जीके में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के कुछ प्रश्नों की, और आज हम इस चीज़ का पांचवा वीडियो यहां पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो रेलवे की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने वही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं या फिर अब तक पूछे जा रहे हैं। इससे पहले हमने चार वीडियो और अपलोड किए हैं। ये एक सुपर फास्ट रिवीजन है, यानी कि कम समय में आप 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेद शब्द का अर्थ है, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आया है। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो ये थी व्यवसाय पर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था, तो आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था मैक्स मूलर। कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल थी, तो इसका नाम है समिति। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे, तो उसको बोला जाता था बलि। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया गया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर है इसका महाराष्ट्र। सैन वेट क्या है, तो देखिए केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रणाली है ये। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि UTI की स्थापना कब हुई थी, तो UTI की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1963 को, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना को पूरी होने से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। जब कुल राजस्व के समान कुल लागत होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं संतुलन स्तर बिंदु। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहायक संस्था है, तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक की। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है, तो देखिए इसका मतलब है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में घटाव या फिर उसका घटना। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है, तो ये है भारत की, अपने देश भारत की। बेरोजगारी मंदी तथा मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किस में होता है, तो ये होता है समष्टि अर्थशास्त्र में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान संघ में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो ये हुई 1928 में। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था, आंसर है मन नारायण ने। रूलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो DT लकड़ा वाला को। किस काल को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है, तो 1966 से 1969 के समय को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था, तो कुमार संभवम महाकाव्य कालिदास द्वारा लिखा गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना की विफलता का प्रमुख कारण क्या था, तो देखिए इसका विफलता का प्रमुख कारण था बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। किस पंचवर्षीय योजना में अवनवरल योजना का नाम दिया गया, तो ये दिया गया छठी पंचवर्षीय योजना को। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से लेकर 2017। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, सही आंसर है विलियम गेंड। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है, तो ये होता है जुलाई जून से, ठीक है, 2021-22 से अप्रैल मार्च। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है, तो ये होती है वास्तविक राष्ट्रीय आय अथवा कुल जनसंख्या की। मुद्रास्फीति मापी जाती है, तो ये थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष है गुलजारी लाल नंदा। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो प्रकाश के परावर्तन व प्रकीर्णन के कारण इंद्रधनुष बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, सही आंसर है कॉर्निया। आरंभ में कौन सा देश रोटी की टोकरी बनकर उभरा, तो रोटी की टोकरी बनकर उभरा था अमेरिका। अनपेशियन पठार किस देश में है, तो अनपेशियन पठार अमेरिका में है, ये कहाँ पर, अमेरिका में।
खूब गेहूं उगाओ, गेहूं की जंग जिताएगा। ये शब्द अमेरिका की किस राष्ट्रपति ने कही थी? तो ये है वुड्रो विल्सन के शब्द। अंग्रेज़ों ने किस देश के साथ अफीम का व्यापार किया? तो अंग्रेज़ों ने चीन के साथ अफीम का व्यापार किया था। पहला एक दिवसीय मैच कब खेला गया? देखिए क्रिकेट की बात कर रहा है तो ये 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। कौन सा अधिकार सभी अधिकारों का संरक्षण करता है? तो उसका नाम है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महावट किस ऋतु की वर्षा को कहते हैं? तो शीत ऋतु की वर्षा को महावट कहा जाता है। मासिनराम किन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो ये स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन की स्वीकृति कैलोरी आवश्यकता होती है? इम्पोर्टेंट है तो यह है 2400 कैलोरी और शहरों के लिए 2100 कैलोरी। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई? इम्पोर्टेंट योजना है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना 1973 में शुरू हुई थी। किस राज्य के मुख्यमंत्री को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा अब ये राज्य नहीं है, अब ये यूटी है। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। भारत में बफर स्टॉक का भंडार कौन करता है? सही आंसर है भारतीय खाद्य निगम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गेहूं क्रांति के नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया? तो ये किया गया 1968 में। भारत सरकार किस वर्ष से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपना रहा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1991। तो भारत में उदारीकरण के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहला इस्पात कारखाना है? तो यह है जमशेदपुर में। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ ज़्यादा लगती है, यानी कि सबसे ज़्यादा? तो यह है पश्चिम बंगाल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? तो ये लगती है बिहार की। म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? सही आंसर है मिजोरम की। भूटान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? तो ये है असम। अफगानिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? राइट आंसर है जम्मू कश्मीर की। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा तीन पड़ोसी देशों को छूती हैं? सही आंसर है चार। कितने भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा किसी एक पड़ोसी देश को छूती है? सही आंसर है 10। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका नाम है त्रिपुरा। भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश है? तो ये है श्रीलंका। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो यह है द्वारका के पास नारायण सरोवर, गुहार मोती भुज, गुजरात।